ठीक है, इस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप जो है अपने फेसबुक पर एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसका नाम है कि एक्सपायर। ठीक है, लॉगिन एक्सपायर, कुछ इस तरह का अगर आपको ऑप्शन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो और उसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप जान लो, उससे आपकी अकाउंट भी थोड़ी सेफ रहेगी और सुरक्षित रहेगा। तो क्या सबसे पहले हम यहाँ पर फेसबुक ओपन करेंगे और यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो क्लिक करते ही भाई आ गया सेशन एक्सपायर, प्लीज़ लॉग इन अगैन, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो क्या जिस पे आपको करना क्या है, अगर डायरेक्ट आप कट करते हो यहाँ से और फिर से फेसबुक को हटा के मैं फिर से क्लिक करके ओपन करता हूँ, फिर से वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ओके करते ही आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी, तो आपको लॉग आउट ही करना है। कभी ये अब ये प्रॉब्लम होता कैसे है मैं आपको बता दूँ, आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है, इन सभी चीज़ों से हो जाता है। कई फ़ोन में या फिर कई ब्राउज़र में आप अपना फेसबुक जो है अकाउंट लॉगिन कर लिए हो तो उससे आपका अकाउंट टेम्प्रेरी अकाउंट जो है बैन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से हो जाते हैं। अब इसको जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाएगा और पासवर्ड मांगेगा, तो चलो मैं ओके कर देता हूँ। गाइस देखो अभी यहाँ पर यही आईडी है और फिर से क्लिक करने को बोल रहा है, तो आपको पासवर्ड मांगेंगे गाइस एक बार कन्फर्म करने के लिए कि हाँ ये आपकी आईडी है। तो लॉगिन एक्सपायर होता है तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको अपने यहाँ फेसबुक पे जाके और ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ से स्टोरेज में जाके गए आपको इसका क्लियर कैच और डाटा नहीं क्लियर करूँगा मैं, लेकिन आपको डाटा भी क्लियर कर देना है, तब भी जो है आपको कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा फेस करने को मिल जाती है। तो चलो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने डाल दिया पासवर्ड और यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर देखो पासवर्ड गलत बता रहे हैं, एक मिनट। सो अब से जो है आप देख रहे हो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पे आ जाता हूँ और ये मेरी जो आईडी है एकदम फुली लॉगिन हो चुकी है। इस तरह से जो है गाइस आप अपना पासवर्ड री एंटर करके वेरीफाई करके डाल के और फिर से लॉगिन कर सकते हो। सेशन एक्सपायर आपका कभी कभी ये टेम्पररी इस तरह से भी हो जाता है। थैंक यू सो मच।